सो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे व्हाट्सएप की एक ऐसा टिप्स के बारे में जो कि आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वसुदेव और टी विथ मी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपका जो व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद मैं पहला वाला जो टिप्स देने वाला हूँ आपको, तो सिंपली से आपका जो फ्रेंड है, अगर लॉन्ग टाइम से किसी के साथ चैट करते हैं तो आपके ये टिप्स बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैसेज करते हैं, यहाँ पर मैसेज करने के बाद यहाँ पर जो है सेंड का बटन होता है, यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप जो यहाँ पर जो सेंड बटन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इंटर का बटन होता है नीचे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर सेंड का बटन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, और भी स्पीड होता है और सुविधा ये होते हैं, ठीक है। तो एक ये कैसे सेट करते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर थ्री डॉट लाइन पे जाना होगा। थ्री डॉट लाइन पे जैसे आओगे तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा। तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो इसके बाद जो यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर चार्ट में जाना होगा। तो जैसे ही चार्ट में आओगे तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है इंटर इज सेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ये इनेबल कर देना होगा। तो आपका जो है इंटर वाला बटन सेंट बटन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं दिखा देता हूँ ये जो मैंने, तो आप मैं जो यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट का बटन जो दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली चला आए है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं हाय लिखकर यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और इस बटन से भी सेंड कर सकते हैं, नीचे जो सेंड का बटन है यहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो दूसरे जो है यहाँ पर किसी के साथ चैट कर, तो यहाँ पर जो है वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आओगे यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर सेटिंग्स में जैसे आओगे यहाँ पर चैट का ऑप्शन में जाना होगा। तो यहाँ पर जैसे आओगे नीचे की तरफ देख सकते हैं और वॉलपेपर के एक नाम सेटिंग्स है, तो यहाँ पर वॉलपेपर में क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएगी, यहाँ पर गैलरी, सॉलिड कलर, वॉलपेपर, लाइब्रेरी, डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मैं गैलरी के जाता हूँ, यहाँ पर गैलरी में जैसे आऊँगे तो यहाँ पर मैं एक मेरा जो फ़ोटोज़ वो सेट करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा बहुत सारी फ़ोटो है, यहाँ पर मैं एक चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सेट किया, तो यहाँ पर जूम आउट कर किस तरीके से चाहते हो और फोटो साइज़, तो यहाँ पर सेट करना होगा जूम आउट जूम करके यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे होगा तो यहाँ पर कैंसिल और सेट जो ऑप्शन है, यहाँ पर सेट का ऑप्शन यहाँ पर सेट कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेट हो गया। तो मैं आप दिखा देता हूँ कैसा हो गया मेरा इंटरफेस। तो यहाँ पर जैसे मैं किसी के साथ चैट करता हूँ तो मेरे जो यहाँ पर वॉलपेपर आ गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वॉलपेपर आ गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है वॉलपेपर सेट हो गया है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैं टिप्स दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर सेकंड में जो ऑप्शन है मीडिया विजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर ये इनेबल होता है तो यहाँ पर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो यह ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करने से क्या होगा, अगर किसी ने आपको फ़ोटोज़ इमेज वगैरह कुछ भेजा है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही ऑफ़ कर दोगे वो ऑप्शंस, तो यहाँ पर आपका किसी भी जो इमेजेस, किसी भी फ़ोटोज़ का, किसी भी वीडियोस ऑटोमेटिकली कभी भी डाउनलोड नहीं होगा। तो आप जब भी डाउनलोड करना चाहोगे सिर्फ वही समय आपका जो है डाउनलोड होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अमेजिंग टिप्स है, ठीक है। तो उसके बाद मैं लास्ट में जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और किसी को आप इम्प्रेस कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ, मुझे किसी ने आई मिस यू सेंड किया है, ठीक है। कुछ स्टिकर लगा देता हूँ यहाँ पर, तो मुझे किसी ने ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे जो यहाँ पर किसी ने सेंड किया, यहाँ पर आप नहीं सेंड किया है तो आप सिर्फ आप किसी को सेंड करना चाहते तो भी असली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है मैं इसको थोड़ी सी
जो टेक्स्ट होता है यहाँ पर बोल्ड करूँगा, यहाँ पर थोड़ी अलग सा टेक्स्ट यहाँ पर और स्टाइलिश टेक्स्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको स्टार यहाँ पर स्टार लेना है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कैरेक्टर क्या चाहिए, तो जैसे कि आई, उसके बाद स्टार देना है, तो ये जो है अलग सा हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद आपको मिस, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पेस देने के बाद यहाँ पर और स्टार लेना है, और जैसे स्टार लेंगे तो यहाँ पर ये लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर स्टार लेना है, यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद और लिखना होगा यहाँ पर यू, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार लेना है, स्टार लेने के बाद यहाँ पर वाई ओ यू और स्टार से क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अलग सा टिक्स आए हैं, थोड़ी बोल्ट, ठीक है। तो ये अमेजिंग, ये देखकर ये टेक्स आपके दोस्त देखकर बहुत ही खुश होने वाले, या फिर आपको बोल सकते ये कैसे किया है, मुझे सिखा दो। तो ये काफ़ी अमेजिंग बात होने वाला, ठीक है। तो ये था आज के छोटा छोटा सा ट्रिक्स, और तो मैंने बता दिया हूँ व्हाट्सएप की इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और सच में किसी को मिस करते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है। मैं भी देखना चाहती हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं कितने मिस करते हैं, कौन कौन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड गुड बाय।